एंड वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग, जिसको काफ़ी ज़्यादा क्योंकि पिछली वीडियो तो तुमने देखी नहीं है, तो भाई अब तुम्हारे लिए एक व्लॉग ही तैयार करते, क्योंकि तुम लगता है मेरे को कि व्लॉग ही ज़्यादा पसंद है। कि जिसने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देखो भाई। अगर तुमने देखी है वो है ब्रजमन राधे वाले जिन्होंने सॉन्ग गाया था, उनको ही देखा था, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी जाके देखो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज हम जा रहे हैं लोटस टेम्पल, तो तुम्हें लेके चले गए लोटस टेम्पल, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉरनर्स भी आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे साइंस है कि बोलते हैं कि वहाँ पे अंदर बैठ के एकदम चुप करके बैठ रहे हैं, प्रे वगैरह करो, और वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और बाकी तुम्हें आगे दिखाऊंगा मैं, ठीक है? अभी जस्ट रेडी हो जाए और निकलते हैं, रेडी ओके। तो चलो इस व्लॉग को भी पूरा देखना भाई, फिर तुम्हें पता लगेगा लोटस टेम्पल है कहाँ, कैसा है, क्या उसकी साइंस है। अच्छा तो चलो गाइज, जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने बताया था कि आज हम जाएंगे लोटस टेम्पल, तो लोटस टेम्पल मेरे बाहर ही है, नेहरू प्लेस से इस साइड पे, उसी पार्क में से जाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं, निकल के एग्जिट लेते हैं, तो दिखाता हूँ तुम्हें पूरा लोटस टेम्पल भी भाई क्या है। एग्जिट दूंगा तो पहले मैं वो, तो गाइज अभी एग्जिट लेके हम आ चुके हैं अपन पार्क के अंदर। पार्क के अंदर से जाएंगे क्योंकि इसी के नियरेस्ट पड़ते हैं तीनों मंदिर पर हम जा रहे हैं, खास लोटस टेम्पल में, तो वहाँ पे चल के भी देखते हैं क्या है, क्योंकि भीड़ वगैरह मेरे को जहाँ तक लग रही है कि छुट्टियाँ वगैरह हॉलीडेज वगैरह बढ़ी हुई है लोगों की, तो काफ़ी लोग आते हैं बाहर से भी, टूरिस्ट भी आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं घूमने के लिए। तो अभी देखते हैं कि ज़्यादा भीड़ ना हो, तो डायरेक्ट वहीं पर मिलता हूँ तुम्हें। बाकी आगे टिकट वगैरह का भी जो भी होगा वो बताता हूँ तुम्हें आगे साथ साथ। जैसे कि हम सब आ चुके हैं अंदर, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। गाइस अंदर आके देखा तो इतनी ज़्यादा भीड़ है, देखा खुद ही देख रहे, क्योंकि गर्मी में टूरिस्ट प्लेस है, अट्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, वहाँ पे ऊपर जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे पॉलीथीन वगैरह रखे जाते हैं, तो उसमें पॉलीथीन में डाल के ही वो एक वजह से हो जाएगा, वहाँ पे पॉलीथीन वगैरह उठा के अपने शूज़ वगैरह डाल के नंगे पैर जाना पड़ता है, तो इसलिए। और बाहर टिकट वगैरह तो वो फ्री है, अंदर आना मैं वहाँ शूट नहीं कर पाया था थोड़ी देर, अंदर से शूट करके तुम्हें पूरा दिखा देता हूँ कि क्या। एंड गाइज यहाँ पे हर धर्म के लोग आ सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखो जैसे आप पढ़ सकते हो यहाँ पे कि कैसे डेवलपमेंट की पुअर पीपल्स की उन्होंने, भाई जो फेथ है जो बाबा करके उनको बोला करते थे, तो उन्होंने यहाँ पे किया डिपिक्ट। तो अभी चलते हैं ऊपर, एक बार देखते हैं ऊपर भी क्या है। गाइस काफी देर के बाद लाइन भी चल रही है, और नीचे से इतनी गर्म है, पैर हो गए हुए हैं। अब चलते हैं गाइस, काफी ज्यादा लंबी लाइन है यहाँ पे, पीछे की लाइन। इस साइड ये पानी जो स्विमिंग पूल का पानी वगैरह बनाया, काफी देर के बाद लाइन से वो सारे वाले जो देख के इतना चलेगा। कोई भी नहीं है यहाँ पे गाइस, देखो उस साइड भीड़ भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है, सही टाइम निकाल।
और गाइस जो ये तालाब से बनाया है इसमें सिक्के पता नहीं क्यों डालते हैं, तो अगर आपको पता होगा तो प्लीज आप कमेंट में बताना कि सिक्के क्यों यहाँ पे डालते हैं लोग, ठीक है। और फिर ये तालाब तो गाइस पहुंच चुके हैं अपन, ये है लोटस टेम्पल अपना। टाइम पे पहुंच गया, चढ़ने से पहले हमें फोन कैमरे बंद करने हैं, ठीक है, समझ गया गाइस। अंदर से देख लो कुछ ऐसा है कि अंदर वीडियो शूट नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है बाहर से। तो गाइस अंदर से अभी निकल चुके हैं हम, जैसे कि मैंने तुम्हें दिखा दिया कि अंदर शूट नहीं कर सकते, बिल्कुल अलाउड नहीं। और यहाँ पे भी पानी में देखो पैसे फेंकते हैं, पता नहीं क्यों, वो कोई रीजन होगा कुछ पता नहीं है, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में बताना। और अभी चलते हम यहाँ से बाहर, देख लो अभी ये डोम शेप लाइक लोटस टाइप ही है एक टाइप, तो बना हुआ पता नहीं कितने मार्बल्स यूज करके। तो अभी नीचे चल के तुम्हें दिखाता हूँ, और काफी ज्यादा फॉरेनर्स वगैरह भी आए हुए हैं, देखे हैं मैंने, उनके साथ भी फोटो वगैरह खिंचवाते हैं, देखते हैं, शायद नाइजीरिया से भी आए हुए हैं कुछ लोग, तो वहाँ पे भी देखते हैं। अभी ये काफी ज्यादा क्राउड है क्योंकि छुट्टियां पड़ी हुई है अभी, तो देख लो आप। और जो पॉलिथीन का बैग है वो भी यहीं पे जमा कराते हैं, और नीचे देखो कितनी भीड़ है अभी। तो अभी हम चलते हैं, अभी थोड़ा सा शूट वगैरह करके यहाँ से, तो फिर चलते हैं, ठीक है। तो अभी जरा इनकी मैम की फोटो खींच दूँ मैं एक, ये देखो ये जैसे गए मेरे आगे से लोग, नाइजीरिया से ही आए हुए हैं शायद, जहाँ तक मेरे को लगता है, ये जो खड़े हैं यहाँ पे साइड पे, तो इनकी फोटो खींच ली मैंने उनकी भी। तो अभी चलते हैं हम आगे, देख लो तुम, ऐसे मौसम अच्छा हो गया हुआ है काफी। मैं अंदर काफी अराउंड एक घंटा दो घंटा अंदर बैठा था, ऐसे एकदम शांति जो होती है ना भाई, पीस मिलती है, मजा आता है वैसे अंदर बैठो, शांति कुछ नहीं, प्रे कर सकते हो आप काफी ज्यादा। और यहाँ से ये देखो, यही बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, ये नाइजीरिया से आए हैं शायद, इनके हेयर स्टाइल डिफरेंट ही है भाई। अभी चलते हैं हम नीचे एक बार देखते हैं। गाइस जैसे कि आप देख रहे हो मेरे को अकेला शूट करने में कितनी दिक्कत हो रही है यार, सही में बहुत ज्यादा। अगर कोई होता तो ये देखो, अब यहाँ से तो मैं दिखा देता हूँ पूरा लोटस टेम्पल, ये देखो कितना शानदार लग रहा है भाई देखने में भी। और भीड़ देखो तुम, नीचे नीचे दिख रही होगी तुम्हें भीड़, यहाँ से ज्यादा भीड़ है, हालत हो जाती है भाई। आज मौसम वैसे ठंडा हो गया हुआ है, उसकी वजह से काफी इतनी लगे गर्मी, बस मॉन्यूमेंट भी बहुत ज्यादा गर्मी है इसको। अभी चलते हैं हम नीचे, बड़े शायद नाइजीरियन लोग, काफी ज्यादा लोग फोटो खिंचा रहे हैं उनके साथ, नाइजीरिया से जो लोग आए हुए हैं उनके साथ। बाकी अभी गाइज अभी हम बाहर चलते हैं, निकलते हैं इस साइड से। तो बाकी अगर तुम्हें और भी अच्छा अच्छा कंटेंट देखना होगा तो भाई इंस्टाग्राम पे भी मैं अपनी जो आईडी यहाँ पे तुम्हें साइड पे दिख रही होगी इस पर जाके भी तुम मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट डालता हूँ मैं, तो प्लीज़ जाके देखो उस कंटेंट को भी। और अभी तुम्हें इसका जो स्पॉट है ना, यहाँ से बहुत अच्छी फोटोज़ क्लिक होती है, जो मेन स्पॉट है वो दिखाता हूँ तुम्हें कहाँ पर है। तो वेदर भी देख लो, एक तो वेदर भी बहुत बढ़िया हो रहा है आज, क्योंकि मेरे पीछे भी देख रहा होगा, तो आगे से भी तुम्हें दिखाता हूँ जो वेदर है कितना बढ़िया हो गया हुआ है। देखो एक बारी वेदर चेक करो, वेदर भी देखो कितना प्यारा हो चुका है, हल्की हल्की ठंड टाइप हो चुकी है, पर इतनी लाइट नहीं है धूप इतनी,
तो ठीक है, बंदा घूम सकता है। तो अभी तुम्हें स्पॉट दिखाता हूँ वाला, जो तुम्हें बता रहा था ये है वो स्पॉट जहाँ पे काफी ज्यादा क्राउड है, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे यहाँ पे अगर फोटो खींचोगे बहुत फनी आएगी और बहुत मजे वाली फोटो आएगी यहाँ पे अगर खींचोगे, क्योंकि हाथ रख के भी कुछ स्टेचूज पे खींचते हैं, हाथ रख के पकड़ के कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के फोटो है। मेरे साथ तो कोई है नहीं, जो बेस्ट पिक आती है यहीं पे आती है। गाइस इसी साइड से एंट्री भी है और इसी साइड से भी एग्जिट है, तो एग्जिट करेंगे अपन लोग, तो बाकी जो आने वाले हैं उस साइड से आ रहे हैं। और ये गाइस जिस बाहर निकलने ही लगा था तो कुछ फोटो खींचने के लिए, तो कुछ लोग मिले जो बाहर से आए, बाहर कंट्री से आए हुए थे, तो उनके साथ हमने बातें वगैरह की और फोटो वगैरह खींची। तो आप एंजॉय करो उन फोटोज को, देखो जरा। गाइस वहाँ से आने के बाद जो एक और प्लेस है जिसमें हिस्ट्री के बारे में बताया गया, तो इसके अंदर भी अलाउड वगैरह तो है नहीं वैसे फोटोग्राफी, इसके अंदर भी बताया गया कि बाबा की हिस्ट्री, अबुल बाबू के बारे में हिस्ट्री बताई गई है सारी, तो आके पढ़ सकते हो तुम सारे। तो बाकी अभी अपन ने पूरा टूर कर चुके हैं लोटस टेम्पल का, अभी यहाँ से निकलते हैं और एग्जिट और एंट्रेंस दोनों एक साइड से ही है, इस साइड से। तो गाइस तो अभी अपन लोग घूम चुके हैं पूरा लोटस टेम्पल, पूरा तुम्हें बता भी दिया मैंने, तो अभी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना।